हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर अंगूठे वाली जुराब बनाकर लाई हूँ। आज मैं आपको जुराब बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाई गई है। फ्रेंड्स, ये जुराब बनाने में बहुत ही आसान है और पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल है। ये जुराब हमारी यहाँ से शुरू होती है और यहाँ बॉटम पर इसका एंड होता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जुराब को बनाने के लिए मैंने ओसवाल कंपनी की ये जो स्पेशल जुराब बनाने वाली ऊन आती है ये ली है, और इसमें मैंने 10 नंबर की सिलाई यूज की है। अगर आप मजबूत जुराब बनाना चाहते हो तो आप इसमें 10 या 9 नंबर की सिलाई लीजिए। अगर आप थोड़ा सा टाइट हाथ से बुनाई करते हो तो आप 9 नंबर से बना लीजिए, और थोड़ा सा लूज बुनते हो तो 10 नंबर से बना लीजिए। वैसे कंपनी ने इसमें जो है 4 प्लाई वाली ऊन है 6 नंबर की सिलाई जो है मेंशन की है कि आप 6 नंबर की सिलाई यूज कीजिए, बाकी आप अपने हाथ के अनुसार देख लीजिएगा। मैंने 10 नंबर की यूज की है, थोड़ा सा टाइट हाथ से बुने तो 9 नंबर लगा लीजिएगा। तो ये देखिए 10 नंबर की सिलाई पर, और यहाँ पर मैंने लिए हैं 48 यानी 48 फंदे। फंदे आप थोड़े से लूज डालिएगा, ज़्यादा टाइट ना हो, इस तरह से आपके फंदे चलने चाहिए। अब ये फंदे डालने के बाद एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से, पहले इसमें हम उल्टी उल्टी बुनेंगे। तो देखिए धागा अपनी तरफ रखिएगा और इस तरह से आप इनको उल्टा बुनिएगा, ऐसे एक एक करके आप इन फंदों को उल्टा बुनिए, सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुन ली हैं, जिससे हमारे पास ये एक लाइन आ गई। अब इसमें हम ये वाला बॉर्डर बुनेंगे। ये हमने 6 सिलाइयों का इसमें बॉर्डर बनाया है। तो देखिए बॉर्डर कैसे बनेगा, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, बस इन्हीं को बार बार रिपीट करना है। धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, पूरी सिलाई को आप ऐसे ही बना दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक उल्टा और एक सीधा करते हुए मैंने पूरी सिलाई को बना लिया। यहाँ पर लास्ट का फंदा मेरा सीधा आया है। अब हमें सेम दूसरी साइड से बनाना है। जो फंदा इधर सीधा है वो इस साइड पे हमारा उल्टा बनाएंगे। देखिए पहला फंदा सीधा आया था तो दूसरी साइड पर उल्टा बन गया। अब हम धागा पीछे करेंगे, ये वाला फंदा उल्टा है तो इधर से सीधा आ जाएगा। अब सेम आपको बनाते जाना है, एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा। ये बॉर्डर की हमारी दूसरी सिलाई है। ऐसे करके हमें ये 6 सिलाइयाँ बनानी है। तो मैं एक उल्टा एक सीधा करते हुए ये 6 सिलाइयाँ पूरी कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने ये एक उल्टा एक सीधा करते हुए 6 सिलाइयों का बॉर्डर बना लिया है। तो टोटल हमारी यहाँ पर अब ये 8 सिलाइयाँ बन गई हैं। 2 सिलाइयाँ हमने उल्टी उल्टी बुनी और 6 सिलाइयों का बॉर्डर बनाया। अब हम इसमें ये वाला अपना जाली वाला पैटर्न बनाएंगे। तो हमारे पास हैं 48 यानी 48 फंदे। 48 में से 21 यानी 21 फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और ये 21। ये हमने 21 फंदे यहाँ पर बुन लिए। अब धागा अपनी तरफ रहे और 2 फंदों को हम सीधा बुनेंगे। देखिए 1 और ये 2। अब यहाँ पर हमारा जाली से फंदा बढ़ गया। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, लपेट कर एक जाली डालेंगे और 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 और ये 2। तो इधर हमारी जाली आ गई। अब धागा अपनी तरफ रहे और 2 फंदों को हम सीधा बुन देंगे। तो एक जाली हमारी यहाँ पर आ गई। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, लपेट कर एक जाली डालेंगे और आगे हमारे 21 फंदे हैं, इनको हम उल्टा उल्टा बुन देंगे। तो एक बार में हमारे यहाँ पर 4 फंदे जाली से बढ़ गए हैं। तो इस तरह से इन 21 यानी 21 फंदों को मैंने उल्टा उल्टा बुन लिया। अब आ जाइए आप इसकी रोंग साइड यानी उल्टी साइड पर। आप इन सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लीजिए। सीधी साइड पर हर बार 4 जाली डालने से हमारे 4 फंदे बढ़ेंगे,
उल्टी तरफ की सारी सिलाइयाँ इसमें उल्टी ही बुनी जाएंगी। तो इस सिलाई को उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए उल्टी साइड से मैंने सिलाई को कंप्लीट कर लिया। अब आ जाइए आप इसकी सीधी साइड पर। सीधी साइड पर अब की बार हम इसमें 22 यानी 22 फंदों को उल्टा बुनेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और ये जाली वाला 22। हमारे इस तरह से यहाँ एक एक फंदा बढ़ता जाएगा। ये फंदे हमारे इधर उल्टे ही बुने जाएंगे। अब आपका धागा अपनी तरफ रहे और इन दो फंदों को हम सीधा बुनेंगे, एक और ये दो। तो फिर से जाली से हमारा फंदा बढ़ गया। अब हम धागा अपनी तरफ करेंगे और लपेट कर एक जाली डाल देंगे और चार फंदे उल्टे बुनेंगे, 1, 2, 3 और ये 4। धागा अपनी तरफ रहे और इन दो फंदों को हम ऐसे सीधा बुन देंगे। तो इधर हमारी जाली आ गई। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, लपेट कर एक जाली डालेंगे और ये आगे हमारे 22 फंदे हैं, इनको हम उल्टा उल्टा बुन देंगे। फिर उल्टी साइड से हमारी जो सिलाई आएगी वो आपकी पूरी उल्टी बुनी जाएगी। तो मैं इस सिलाई को कंप्लीट करके और उल्टी साइड की सिलाई को भी बुन देती हूँ। तो ये देखिए उल्टी साइड की सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। अब जाली वाली हमारी चार सिलाइयाँ इसमें कंप्लीट हो गई हैं। ये जो हमारी जुराब है इसका हमारा देखिए यहाँ तक का पार्ट ये बन गया। अब हमारा यहाँ पर जो बनाया जाएगा बिल्कुल सेम बनेगा, जाली बिल्कुल सेम डाली जाएंगी। बीच में जो फंदे हैं वो हमारे सीधे बुने जाएंगे, बस अंतर सिर्फ इतना आया है। इससे हमारा ये डिजाइन बनेगा जो कि सुंदर लगता है। तो अब हम सीधी साइड पर हैं, क्या करेंगे हम 23 यानी 23 फंदों को पहले उल्टा उल्टा बुनेंगे, क्योंकि जाली से हमारे फंदे बढ़ रहे हैं। पहले 21 थे, फिर 22 हो गए और अब हमारे 23 हैं। तो 23 फंदों को हम इस तरह से उल्टा बुनेंगे। तो ये देखिए यहाँ तक हमारे 23 फंदे हमने उल्टे उल्टे बुन लिए हैं। अब ये धागा आपका ऐसे ही रहेगा अपनी तरफ और ये जो दो फंदे हैं इनको ऐसे सीधा बना लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका जाली से फंदा बढ़ गया। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 फंदे हमने सीधे बनाए। जो धागा अपनी तरफ करके हमने सीधा बुना तो एक जाली यहाँ पहले से ही आ गई। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और इन दो फंदों को हम ऐसे सीधा बुन देंगे, तो एक जाली हमारी इधर आ गई। अब धागा अपनी तरफ ले आएंगे और लपेट कर इस तरह से एक जाली बना देंगे और आगे के 23 यानी 23 फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन देंगे। उल्टी साइड से सभी सिलाइयाँ बिल्कुल उल्टी उल्टी बुनी जाएंगी। तो इन 23 फंदों को बुन के और फिर उल्टी तरफ से मैं सिलाई को कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स उल्टी साइड से सिलाई बुनने के बाद अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर। सीधी साइड पर अब हम यहाँ पर 24 यानी 24 फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। बहुत ही आसान है ये जुराब और इसे न्यू बिगनर्स भी आसानी से बना सकती हैं और पैर में पहनने पर बहुत ही कंफर्टेबल है और बहुत ही सुंदर लगती है। तो इस तरह से मैं 24 फंदों को उल्टा बुन देती हूँ। 24 फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा अपनी तरफ रहे और इन दो फंदों को हम यहाँ सीधा बुनेंगे। तो देखिए जाली से फंदा हमारा बढ़ गया। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और ये जो बीच वाले फंदे हैं इनको हम सीधा बुनेंगे। देखिए धागा अपनी तरफ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। अब धागा अपनी तरफ करके इन दो फंदों को हम सीधा बनाएंगे। तो अब जो टोटल बीच में हमारे फंदे हो गए हैं वो इधर की और इधर की जाली मिला के 10 फंदे हो गए। यहाँ जब स्टार्टिंग की थी तो दो फंदे लिए थे, तो चार फंदे इस वाले पैटर्न में बढ़ गए जाली के, चार इसमें बढ़ गए। अब आगे फिर हमने धागे को अपनी तरफ लेना है और इस तरह से लपेट कर जाली डाल देनी है। आगे के 24 यानी 24 फंदों को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। उल्टी साइड से सारी सिलाई उल्टी बुनी जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स उल्टी साइड की सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर। सीधी साइड पर अब हम यहाँ पर देखिए
ये जो जाली आती है हमारी, यहाँ तक के फंदों को उल्टा बुनेंगे। हमारे 25 फंदे हो चुके हैं, यानी 25 फंदों को आप उल्टा उल्टा बुनिए। तो ये देखिए 25 फंदों को उल्टा बुनने के बाद धागा अपनी तरफ और इन दो फंदों को हम सीधा बुन देंगे। तो यहाँ जाली से फंदा बढ़ गया, अब धागा अपनी तरफ करेंगे और लपेट कर जाली डालेंगे और ये जो बीच के फंदे हैं इनको हम उल्टा बुनेंगे। बस यही इसमें अंतर आएगा। बीच के फंदे जो हैं चार सिलाइयों में उल्टे बुने जा रहे हैं, चार सिलाइयों में सीधे उल्टे हैं। ऐसे ही आपकी हर सीधी साइड पर चार जालियाँ आएंगी। ये देखिएगा धागा अपनी तरफ रहे और इन दो फंदों को अब आप सीधा बुनिए, फिर धागा अपनी तरफ और लपेट कर जाली डालिए और आगे के 25 यानी 25 फंदों को आप उल्टा उल्टा बुन दीजिए। उल्टी साइड की पूरी सिलाई आपकी उल्टी बुनी जाएगी। तो अब हमारा देखिए यहाँ हम आ गए हैं, चार सिलाइयों में हमारी ये दो लाइनें आती हैं, फिर ये चार सिलाइयाँ सीधी उल्टी हैं। ऐसे करके हमें टोटल यहाँ पर 16 जालियाँ डालनी हैं। तो देखिए इसमें हमारी यहाँ पर ये जो आपकी आई हैं 1 2 3 4, ये चार पार्ट आपके ये बुने जाएंगे, 1 2 3 और ये चार पार्ट आपके ये बुने जाएंगे। टोटल आपकी यहाँ तक 16 जालियाँ आ जाएंगी। 16 जाली डालने से आपके 64 फंदे बढ़ जाएंगे, 64 यानी 64 फंदे। 48 फंदे हमने यहाँ पर डाले और 64 आपके फंदे यहाँ पर बढ़ेंगे। तो मैं इसे 16 जाली डालने तक यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर आपको इसमें आगे दिखाऊंगी। देखिए यहाँ पर हमारी 16 जालियाँ कंप्लीट होती हैं। तो मैं इसकी 16 जालियाँ पूरी करके फिर आपको दिखाती हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने बताया है ऐसे आपको बुनते जाना है। चार जाली आएंगी हर सीधी साइड पर, एक बार की चार सिलाइयों को उल्टा उल्टा बुनिए, एक बार की चार सिलाइयों को सीधा उल्टा बुनिए। तो 16 जाली इसकी जाली पूरी करके और फिर आपको आगे दिखाती हूँ कि इसमें हमें आगे कितने फंदे और बढ़ाने हैं और इसका ये वाला पार्ट हमें कैसे बुनना है। तो इसके पूरा करके 16 जाली तक फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने 16 बार जाली डाली है और इसमें 16 बार जाली डालने से हमारे 64 यानी 64 फंदे बढ़ गए हैं। आप ये पार्ट देखिए, गिन सकते हो 1 2 3 और ये चार, चार पार्ट बने हैं हमारे ये उल्टी उल्टी लाइनों के। 1 2 3 और ये चार पार्ट बने हैं हमारे सीधी उल्टी लाइनों के। तो हमारे पास 16 बार जाली डालने से 64 फंदे बढ़ गए हैं और यहाँ बॉर्डर में हमने लिए थे 48 और 64 फंदों को जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास अब 112 फंदे इसमें हो गए हैं। 112 फंदे हमें चाहिए, इसमें 120 फंदे। अगर आप ये पांच नंबर पैर के लिए बना रहे हो तो इसमें आपको फंदे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आप इतने फंदे रखिए। और इसमें हमें ये चार सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुननी हैं जिससे हमारी दो लाइनें आएंगी, आप इनको बना लीजिए और फिर फंदों को हाफ हाफ कीजिए। छः और सात नंबर पैर के लिए बनाना है तो अभी इसमें हम 8 फंदे और बढ़ाएंगे। चार फंदे हम इस साइड पर बढ़ाएंगे। देखिए ये जो हमने जाली डाली है दो फंदे पर, इससे इधर इसके इधर वाले फंदों में चार फंदे बढ़ा देंगे और चार फंदे इधर बढ़ा देंगे। तो चार और चार 8, 112 फंदे हमारे हो चुके हैं। टोटल फिर हमारे पास 120 फंदे हो जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, इस बार हमें जाली नहीं डालनी है, सिर्फ चार फंदे इस वाले पार्ट में बुनने हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे बनाकर और इस फंदे के नीचे से इस लूप को उठाएंगे, एक फंदा हम ऐसे बढ़ा देंगे। अब हम फिर से 9 फंदे बुनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब हम फिर से देखिए इस फंदे के नीचे से इस लूप को लेंगे और एक फंदा यहाँ बढ़ा देंगे। फिर से हम 9 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब इस फंदे के नीचे से इस वाली लूप को उठाएंगे और एक फंदा हम इसमें से ऐसे बुन देंगे। तो तीन फंदे हमारे बढ़ चुके हैं। फिर से हम 9 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8
और ये नो। अब देखिए हमारा ये जो है जाली वाला फंदा आ गया है, तो हम क्या करेंगे, इधर वाले फंदे के नीचे से एक लूप उठा लेंगे और इसमें से एक फंदा हम बुन देंगे। अब यहाँ से लेकर और इधर वाले हमारे जो दो फंदे सीधे हैं, इसके आगे ये जो जाली आएगी, यहाँ तक के फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। यहाँ बीच में हमें जाली से फंदा नहीं बढ़ाना है कोई भी। हमने चार फंदे इस साइड पे बढ़ाए हैं, चार फंदे हम अगली वाली साइड पर बढ़ाएंगे। तो इन फंदों को आप ऐसे उल्टा बुन दीजिए। तो ये देखिए इस तरह से हमने इस जाली तक के फंदों को बुन लिया है। अब आगे हमें चार फंदे बढ़ाने हैं, बिल्कुल सेम तरीके से बढ़ेंगे। अब जैसे ये वाला फंदा है, इसके नीचे से ऐसे लूप उठाइए, एक फंदा आप बुन लीजिए, फिर नौ फंदे बनाइए, एक फंदा बढ़ा दीजिए, फिर नौ फंदे बनाइए, एक फंदा बढ़ा दीजिए। इस तरह से बिल्कुल आपके बराबर बराबर के फंदे बुनते हुए चार फंदे इसमें बढ़ जाएंगे। तो हम इसे यहाँ तक बुन लेंगे, फिर उल्टी साइड से हम सिलाई को पूरा उल्टा उल्टा बुनेंगे। उसके बाद एक बार फिर सीधी साइड से हम सिलाई को पूरा उल्टा बुनेंगे, तो हमारे पास इस तरह की दो लाइनें हो जाएंगी। तो ये फंदे बढ़ाकर मैं एक उल्टी तरफ की और एक सीधी तरफ की दोनों सिलाइयों को उल्टा उल्टा बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों सिलाइयों को मैंने बुन लिया। तो अब हमारे पास आप देख सकते हो यहाँ पर ये दो लाइनें आ गई हैं। हमारे पास हैं 120 फंदे, इनको अब हम दो भागों में करेंगे, जिससे हमारी जुराब का ये अंगूठे और उंगली वाला पार्ट बनेगा। तो अब हमें क्या करना, देखिए ये उल्टी साइड है और उल्टी साइड पर 60 फंदे हम उल्टे उल्टे बुन लेंगे। तो आप इस तरह से 60 फंदों को बुन लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 60 फंदों को यहाँ पर बुन लिया है और 60 यानी 60 फंदे हमारे इधर बच गए हैं। मैं आपको गिन के दिखा देती हूँ। ये देखिएगा, पेयर में गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये वाला पेयर 30। तो 30 दूनी 60। अब सेम 60 फंदे हमारे इधर हैं, तो एक साइड के फंदे हम एक बार बुनेंगे और एक साइड के हम बाद में बुनेंगे। तो इस साइड के फंदों को हम छोड़ देते हैं। अब ये जो हमारे 60 फंदे हैं, इसमें से हम 16 फंदे सीधे बुनेंगे। देखिए धागा पीछे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16। ये 16 फंदे हमने सीधे बुन लिए। आगे बच गए हमारे 44 यानी 44 फंदे। इन 44 फंदों को धागा अपनी तरफ करके आप उल्टा उल्टा बुन दीजिए और उल्टी साइड से आप यहाँ तक की सिलाई को पूरा उल्टा बुनिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ के 44 फंदे उल्टे बुन के फिर हमने उल्टी साइड से सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लिया। तो यहाँ पर इस साइड की हमारी तीन सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। पहली सिलाई हमने 60 फंदे उल्टे उल्टे बुने, दूसरी सिलाई सीधी साइड पर हमने 16 फंदे सीधे और 44 फंदे उल्टे बुने, तीसरी सिलाई हमारी उल्टी तरफ आ गई जो कि हमने पूरी उल्टी उल्टी बुनी। अब आ गई चौथी सिलाई और सीधी साइड पर हम ये 16 फंदे यहाँ पर बिल्कुल सीधे सीधे बुनेंगे और 44 फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे। ऐसे करते हुए हमें यहाँ पर 15 सिलाइयाँ बनानी हैं। 16वीं सिलाई आएगी हमारी सीधी साइड पर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के फंदों को बिल्कुल हल्के लूज हाथ से इन फंदों को हम बाइंड ऑफ करेंगे। तो आप यहाँ पर 15 सिलाइयाँ बनाइए, हर बार यही करना है। ये 16 फंदे आपके सीधे, 44 फंदे आपके उल्टे। 16वीं सिलाई पर फंदों को बाइंड ऑफ करके फिर आप देखिएगा यहाँ पर अपनी ऊन को बांध लीजिएगा, पक्की नोट लगाइए। उसके बाद यहाँ से और यहाँ तक 60 फंदों को आप उल्टा उल्टा बुनिए। दूसरी सिलाई आ जाएगी आपकी सीधी साइड पर, 44 यानी 44 फंदों को आप उल्टा उल्टा बुनिए, आगे के 16 फंदों को आप सीधा सीधा बुनिए, फिर उल्टी तरफ की सिलाई उल्टी। उसके बाद आपको पहचान मिल जाएगी, 44 फंदे आपके उल्टे, 16 फंदे आपके सीधे।
ऐसे करते हुए बिल्कुल सेम आपको यहाँ पर भी 15 सिलाइयाँ बनानी हैं। 16वीं सिलाई आपकी यहाँ सीधी साइड से शुरू होगी, यहाँ से लेकर और यहाँ तक के फंदों को फिर हम 16वीं सिलाई पर बाइंड ऑफ करेंगे। और बिल्कुल लूज हाथ से आप बाइंड ऑफ कीजिए। अगर हम टाइट हाथ से यहाँ के फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे तो किनारी टाइट हो जाएगी। तो अब मैं ये दोनों साइड के पार्ट बुन के फिर आपको इस जुराब की ये सिलाई करना बताऊंगी कि हम इसकी अंगूठे और उंगली की सिलाई कैसे करें, जिससे इसकी पैर में जो शेप आए पहनने पर वो अच्छी आए। तो मैं दोनों साइड के पार्ट बुन लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। तो इन दोनों साइड के पार्ट को कम्प्लीट करके फिर आगे दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड के पार्ट की मैंने बुनाई कर ली है 15-15 सिलाइयाँ बना के, और 16वीं सिलाई पर मैंने फंदों को बाइंड ऑफ किया है। ये जो हमारी लाइनें आई है ये मैं आपको काउंट करके दिखा देती हूँ। देखिए ये वाली जो दो लाइनें हैं इनको हम छोड़ देंगे, इसके आगे देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये जो 8वीं लाइन है ये 16वीं सिलाई सीधी साइड पर फंदों को बाइंड ऑफ किया, तो हमारी ये 8वीं लाइन आ गई है। अब हमें इसकी सिलाई करनी है। फंदों को आपने लूज हाथ से बंद करना है। अगर टाइट हाथ से बंद करोगे तो ये किनारी काफ़ी हार्ड हो जाएगी और फिर सिलाई के बाद जब पहनोगे तो तले में ये चुभेगी, इसलिए लूज हाथ से बंद कीजिए। यहाँ जो हमारा धागा है इसको हमने लंबा काट लिया और सुई में धागे को डाल लिया है, इसी से हम इसकी सिलाई करेंगे। तो ये जो हमने 16 फंदे सीधे सीधे बुने, इससे हमारा ये वाला पार्ट तैयार हो जाएगा। तो यहाँ से इसको पकड़िए और यहाँ पर लाकर इसको मिला दीजिए। जब इसको आप ऐसे मिलाओगे तो ये देखिए आपका पार्ट ऐसे बनेगा। अब जो इसकी हम सिलाई करेंगे इसको आप ऐसे मोड़िएगा, देखिएगा ऐसे। जब इसको ऐसे मोड़ोगे तो ये जो अंगूठे की शेप है ये आपकी अच्छी आएगी, और ऐसे करके आपने इसकी सिलाई करनी है। ये देखिए ऐसे पकड़ लीजिएगा, और ऐसे पकड़ के पहले हम इस वाले कोने की सिलाई करेंगे। थोड़ा बारीक हाथ से सिलाई कीजिएगा। अगर मोटे मोटे टांके आप लगाओगे तो फिर यहाँ से पहनने में ही आपको दिक्कत हो जाएगी, तो बारीक आपने सिलाई करनी है। तो देखिए ये वाला कोना आपका सिल गया, ये वाला। अब हमें क्या करना है, ये देखिएगा ये जो हमारा धागा यहाँ पर गया है इसको यहाँ से ऐसे लीजिएगा और इसको यहाँ आप ऐसे ले आइएगा, ठीक है। ये आपका अंगूठे का कोना बन गया है। अब हमें इस पार्ट की सिलाई करनी है। इन दोनों को मिला लीजिएगा ऐसे करके, और अब आप इसकी सिलाई कीजिएगा। इस पार्ट को यहाँ अच्छे से लीजिएगा, ऐसे बारीक बारीक टांके लगाते हुए आपने इसकी सिलाई करनी है। ऐसे में इसकी जो शेप आती है वो काफ़ी अच्छी आती है। ये देखिएगा ऐसे ले लीजिएगा और यहाँ से इसको अच्छे से मिला दीजिएगा। फिर ये वाले जो कोने हैं इनको ऐसे पकड़िए और ऐसे सिलाई कर दीजिए। यहाँ से यहाँ तक इसको सीलिए। फिर यहाँ तक सिलने के बाद आप ये धागा आपका लंबा है इसको पकड़ लीजिएगा, इस वाले को ऐसे लीजिएगा। यहाँ पर जब आपके दोनों हिस्से आ जाएंगे ना तो यहाँ एक दो टांका लगा के इनको अटैच करिएगा। फिर यहाँ तक सिलने के बाद इसको आप ऐसे मोड़ दीजिएगा और फिर इसकी भी सिलाई कर दीजिएगा। ये सिलने के बाद फिर आप ये नीचे का जो तला है इसको सीलिए और फिर ये वाली सिलाई। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर सा हमारा ये जुराब का पेयर बनके तैयार हो गया है। और इस जुराब के पेयर को बनाने में लगभग 85 या 84 ग्राम ऊन लगी है, क्योंकि एक गोला 100 ग्राम का होता है, उसमें से ये 16 या 17 ग्राम ऊन हमारे पास बची हुई है, बाकी की इस पेयर में लग गई है। तो अगर आपको ये जुराब का पेयर पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर न्यू जुड़े हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल की सारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।